बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यूम माहर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पिछली वीडियो में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूरे साल का 2023 में पाकिस्तान टीम ने जिस जिस के खिलाफ सीरीज खेली है, जितने बड़े इवेंट्स खेलने हैं, वो आपके साथ पूरा शेड्यूल एक साल का मैंने शेयर कर दिया है। जिसने नहीं देखा आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन क्रिकेट टीम का 2023 में किस किस के खिलाफ इन्होंने मैचेस खेले हैं, जबकि किस किस के खिलाफ बड़े इवेंट्स हैं और होस्टिंग राइट्स किस किस के पास होंगे, ओवे सीरीज ज्यादा है कि होम वाली सीरीज ज्यादा है, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी सीरीज का आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंडिया टीम इस वक्त जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज खेले में मशहूर है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन 3 ODI मैचेस की सीरीज अभी रहती है। 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे जो कि इंडिया में ही खेले जाएंगे। उसके बाद टीम इंडिया की जो दूसरी सीरीज होगी वो टीम इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 T20 और 3 ODI मैचेस की सीरीज अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। इससे पहले भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड का टूर कर चुकी है, लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आएगी और 3 T20 और 3 ODI मैचेस की सीरीज खेलेगी, जो कि जनवरी और फरवरी के दरमियान ये सीरीज खेले जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें टीम इंडिया की 30वीं असाइनमेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी सीरीज होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सीरीज होगी, क्योंकि आपको पता है 4 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है, 4 टेस्ट मैचेस इस सीरीज में खेले जाएंगे। 3 ODI मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जबकि 4 टेस्ट मैचेस जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का भी हिस्सा होगी, वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर बहुत ज्यादा असरात मुरतब कर सकती है ये सीरीज, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली असाइनमेंट जो कि टीम इंडिया IPL खेलेगी, IPL में सभी प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि 3 माह लगभग खेलता हुआ IPL होता हुआ आपको नजर आएगा। तो 74 मैचेस खेले जाएंगे, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इंडिया में ही खेला जाएगा। उसके अलावा अगर टीम इंडिया की अगली असाइनमेंट की बात करें, जो कि मैं समझता हूं ये सीरीज हो सकती है, ये फाइनल मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि जून में लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और टीम इंडिया खेल सकती है, क्योंकि उनके पास जो दूसरे नंबर पर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया पहले पर है। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ये जो पीछे सीरीज होनी है, जो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, अगर 2-2 के मार्जिन से भी बराबर कर लेती है या 3-1 के मार्जिन से सीरीज हार भी जाती है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला जून में हो सकता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इससे पहले 2021 में भी टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दे दी थी। उसके अलावा अगर बात करें टीम इंडिया की जो अगली असाइनमेंट होगी, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज होगी, बड़ी प्रॉपर सीरीज होगी। 2 टेस्ट मैचेस, 3 T20 मैचेस, जबकि 3 ODI मैचेस होंगी। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज का रुख करेगी और वेस्ट इंडीज में ही ये सीरीज खेली जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें फिर एशिया कप का आगाज होगा। एशिया कप जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स जरूर हैं, लेकिन अभी तक PCB और BCCI के दरमियान अभी तक लफ्जी जो कि जंग शुरू हो चुकी है। तो अब देखना ही होगा क्या होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास वैसे रहेंगे, लेकिन होस्ट पाकिस्तान में करेगा या UAE में करेगा या श्रीलंका या बांग्लादेश, देखना ही होगा कहां पाकिस्तान टीम अपना होस्टिंग राइट्स आजमाता है, कहां जाकर होस्ट करता है। लेकिन अब जो भी मामलात हल होंगे उसके बाद इंडियन टीम उधर पहुंच जाएगी। तो लेकिन उसके अलावा जो अगली सीरीज होगी वो टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज होगी, 3 ODI मैचेस की सीरीज होगी। वैसे तो ये टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप में मैदान संभालेगी और होस्ट करेगी। ODI वर्ल्ड कप इस दफा टीम इंडिया अपने ही मुल्क में खेलेगी और वर्ल्ड कप बड़ा वर्ल्ड कप होगा, शानदार किस्म के मुकाबले होंगे। तो उसके अलावा ODI वर्ल्ड कप जो कि अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, मैचेस भी काफी ज्यादा हैं और होम मैचेस टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज भी हासिल हो सकता है। उसके अलावा टीम इंडिया की जो अगली असाइनमेंट होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, एक अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि 3 ODI मैचेस जो कि वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा हो चुके थे, उसके बाद प्रॉपर सीरीज थी, इसलिए 3 ODI मैचेस तो खेले जा चुके हैं, लेकिन 5 T20 मैचेस रहते थे। वो वर्ल्ड कप के फौरन बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलेगी, जो कि नवंबर और दिसंबर में खेले जाएंगे। उसके बाद टीम इंडिया की लास्ट सीरीज जो कि अगर बात करें दिसंबर और जनवरी में जाकर अख्ताम पजीर होगी, बड़ी सीरीज होगी, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टीम इंडिया खेलेगी। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख सकती हैं ऑस्ट्रेलिया का लोगो लगा हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज में टीम इंडिया 2 टेस्ट मुकाबले, 3 T20 मैचेस, जबकि 3 ODI मैचेस, 3 ODI, 3 T20 और 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका जाकर खेलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल सीरीज होती है, क्योंकि पता है साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना इतना आसान नहीं होता। तो ये टीम इंडिया की साल 2023 की यह कंप्लीट सीरीज थी, कंप्लीट जो टीम इंडिया ने किस किस के अगेंस्ट कितने कितने मैचेस खेलने हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट कय्यूम माहर को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।